Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. In this case, we will take an example of Pan Armstrong number. Palindrome हमने पीछे previous class में किया था. Now अब इस program के अंदर हम Armstrong number की requirements करेंगे. Process almost same है, बस एक दो जगह पर उसकी working अलग है. So let's start with our header files. हमने अपनी यहाँ पर ले ली क्लास इंटीजर ए बी सी डी ई ले लिया. हमने यहाँ पर अपना पब्लिक लिया वाइड. हमने नंबर इनपुट किया. नंबर इनपुट करने का फ़ायदा कुछ नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ. कारण क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर सिर्फ 100 और 999 के बीच के होते हैं. सो जरूरत नहीं है तो हम इसको इसी चीज़ पे लेके चलते हैं. हमने क्या किया, सबसे पहले वर्ड ए बी सी डी ले लिया. इस ए बी सी डी के अंदर हमने अपनी सीरीज चलाई. ए इज इक्वल टू मेरा 100 है. हमने इसको वाइल में चलाया ए इज लेस देन इक्वल टू है 999. फिर वही ए की वैल्यू को भी मैं पास किया. अब हमने क्या किया, बी इज इक्वल टू 1 किया, तब तक किया. यहाँ पर सी इज इक्वल टू बी मॉड ऑफ 10, इसको मॉड किया. यहाँ पर हमने ले लिया डी. डी इज इक्वल टू डी प्लस, मुझे क्या चाहिए, सी क्यूब करना है. और डी के स्टार्टिंग की वैल्यू यहाँ पर 0 दे दी. इस 0 के बाद हमने क्या किया, इस जगह के ऊपर इसको बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय 10 कहा, बंद किया. कंडीशन लगाई, शर्त लगाई, क्या डी इज इक्वल टू है नंबर के. अगर है तो आपने क्या किया, ए को प्रिंट करो. नहीं है तो ए में इंक्रीमेंट करी, ये दूसरा लूप बंद और ये आपका फंक्शन बंद. हमने मेन लिया, इस मेन को लेने के बाद हमने क्या किया, ए बी सी डी पी स्क्रीन क्लियर करी. पी के अंदर हमने अपनी सीरीज बनाई. यहाँ पर गेट सी एच किया, बंद किया. कंट्रोल एफ नहीं, यही चार नंबर है आर्मस्ट्रांग के और कोई भी नहीं. अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर सीरीज में सीक्वेंस भी चेंज करूँ तो सब कोई लेना देना नहीं है. मैं आपको दिखा देता हूँ. मैंने कंट्रोल F9 किया, ये लीजिए सर, 1 है 1 का तो मसला ही नहीं है. अगर मैं इसको यहाँ तक करूँ तो कंट्रोल F9, ये लीजिए, नंबर में कोई चेंज नहीं है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके पास जो भी है ये आपका 100 से शुरू होगा और यहाँ से आपका प्रोग्राम इस जगह पर फाइंड आउट हो जाएगा. तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस चीज़ को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूँ, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इस सीरीज डायरेक्ट ले लूँ तो मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दूँ तो मेरा ये जो प्रोग्राम है ये इनसाइड ऑफ द क्लास में बनेगा. इसको हमने हटा दिया, ठीक है, नीचे आए. बाकी एक जगह पर क्लास आपको बंद करनी पड़ेगी, यहाँ पर आकर आपको क्लास बंद करनी. प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई चीज़ नहीं आएगी. सो दैट्स टू क्लियर द माई पॉइंट. अगर आपको इनसाइड ऑफ द प्रोग्राम यूज़ करना है या आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी क्वेश्चनिंग में क्या है और आपको क्या करने को कहा गया, किस फॉर्मेट में करने को कहा गया. दैट्स राइट. आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.